खबर मध्य प्रदेश के सिवोन से है, जहां सीधे सीधे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए फर्जी लोग घूम रहे हैं, परंतु प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नए नए तरीकों से लोगों को ठगा जा रहा है। बता दें कि सिवोन में दो लोगों के खिलाफ दो बार 420 का मामला दर्ज हुआ। एक महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जमीन हड़पने का मामला है। दूसरा जमीन विवाद को सुलझाने के मामले में 50 लाख की ठगी का ये मामला है। इनमें से एक भोपाल का है, जिसके खिलाफ पुलिस ने 420 का मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में शामिल लोगों के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन ठगी करके और अवैध कॉलोनी का कारोबार करके लोगों को फंसाकर करोड़पति बन गए हैं। अपने पैसों के बल पर वो पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से बचते रहते हैं। वो लगातार लोगों को ठग भी रहे हैं। दो मामले दर्ज होने के बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। सिवोंच से अध्यक्ष कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। और प्राप्त हुई थी जिसमें एक बहुचर्चित विवाद सिवोंच कस्बे में चल रहा है, जिसमें माजिद और उसके परिवार के लोगों की कुछ भूमि है, जिस पर उनका विवाद करीब एक साल से चल रहा है। तो उनके द्वारा शिकायत की गई कि ये यूसुफ और यूनुस के द्वारा जो है उन्हें बताया गया कि उनके भोपाल में रहने वाले शफीक मछली वालों से बड़े अच्छे संबंध हैं, और उनके द्वारा उनके काम करवाने के लिए जो है करीब 50 लाख रुपये की राशि उनको शफीक मछली वालों को दिलाई गई, और उनको आश्वासन दिया गया कि वो उनका काम जो है बड़े अधिकारियों से और न्यायालय से करवा देंगे। लेकिन करीब एक साल बीत जाने के बाद भी जब उनका काम नहीं हुआ तो उन्होंने संपर्क किया उनसे कि आपने इतनी राशि ली, हमारा काम नहीं किया है। तो उल्टे उनके द्वारा कहा गया कि भाई अभी तो और पैसे दो तब तुम्हारा काम हो पाएगा। तो उनको कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनके द्वारा ना तो कोई वकील लगाया गया था, ना ही कोई ऐसा कुछ आवेदन वगैरह करवाया गया था जिससे उनको लगे कि कहीं किसी स्तर पर इनके द्वारा मदद की जा रही हो। तो जब इन्होंने बार बार उनसे अपने पैसों की मांग की और नहीं लौटाया, तो इन्होंने इनकी शिकायत तीनों की प्रथमता भोपाल में की थी, लेकिन भोपाल से घटनास्थल सिरोंज का पाए जाने पर आवेदन यहाँ जाँच हेतु प्राप्त हुआ था। इसकी जाँच पर प्रथम दृष्टया हमने 420, 406 और 34 भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत प्रकरण इन तीनों आरोपितों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया है और विवेचना की जा रही है।